फिरोजाबाद के थाना नगला गंगर के गांव मड़ैया नांदनी में दबंगई के बल पर रोका जा रहा गांव का आम रास्ता। गांव मड़ैया नांदिया के कुछ पीड़ित लोगों ने उप जिलाधिकारी महोदय और सीओ चकबंदी से अपने न्याय की गुहार लगाई, लेकिन न्याय न मिलने पर निराश होकर बैठे हैं गांव मड़ैया नांदनिया के पीड़ित लोग। प्रदेश में सरकार किसी की भी हो, बिना रिश्वत काम होना बेईमानी है। जो भी पीड़ित रिश्वत नहीं देता, उनकी समस्याओं का समाधान कभी समाप्त नहीं होता, इसलिए लोगों की समस्या जस की तस बनी रहती है। यहाँ तक कि भाजपा की योगी सरकार में पुलिस विभाग, राजस्व विभाग पूरी तरह निरंकुश हो चुका है। ऐसा लगता है कि योगी सरकार ने दबंगों के हाथों की कठपुतली हो। यह हम नहीं कह रहे, यह उन पीड़ितों का कहना है जो कि न्याय के लिए प्रशासन से गुहार लगाकर निराश होकर अपने घर बैठे हैं। हम बात कर रहे हैं फिरोजाबाद के थाना नगला कंगार की। आपको बताते चलें कि गांव के कुछ दबंग लोगों ने गांव मड़ैया नांदिया का आम रास्ता रोक रहा है। इससे पूरे गांव में हलचल मची हुई है। अब देखते हैं कि आखिर क्या राजस्व विभाग हकीकत ईमानदारी से मड़ैया नांदिया के गाँव के लोगों को न्याय दिलाता है या नहीं। तो आपकी जो रास्ता आने जाने के लिए वो रोक रखी है? हाँ, हम का लगभग 15-16 लोगों ने के दरवाजे यात्रा 15-16 लोगों के लिए रास्ता आने जाने के लिए रोक दिए। रोकने वाले का नाम क्या है? नवाब सिंह, श्रीनारायण, पूरन सिंह, सोनेलाल, परसराम जी। इसी गांव के रहने वाले हैं? इसी गांव में इनके 1638 नंबर चक है। गांव का नाम क्या है बताया? गाँव का मड़ैया नांदिया। मड़ैया नांदिया कोने पर राम थाना नगला खंगर क्षेत्र में आती है ये। हाँ, तो आपने इसकी सूचना अभी तक किसी अधिकारी को दी है कि हमारी जो रास्ता आने जाने के लिए वो रोक रखी है? सीओ ऑफिस में दी। अच्छा, उन्होंने कहा कि मतलब हम रुकवाए दें, लेकिन ये लोग ईंट ले आए और कल मतलब दीवार लगाए हुए गए हिसाब में। अच्छा, लेबर और मिस्त्री। ठीक है। तो आपको अधिकारियों ने क्या आश्वासन दिया है? हमने बकाना मोबाइल नंबर मांगो तो बिन्ने जी कही गए जब लगे तो मेरे पास आना। अच्छा, मोबाइल नंबर न दो, अब यहाँ से चले के जाएंगे तब तक तो लगा ही लेंगे। अच्छा, कुल मिलाए के जो अधिकारी लोग हैं निष्पित ले रहे हैं जी, और जी। दरोगा है वो जैसे पैसा ले लेके मतलब जिन लोगों ने के फेवर में काम है रहे हैं। और कभी दीवाल से नाप रहे, कभी 20 फुट आगे तक, जब सही नाप होते तो 20 फुट आगे जाते नाप। अच्छा, अपना परिचय देना। थाना कौन सा है? थाना नगला खंगर। जिला फिरोजाबाद। क्या कहना चाहते हैं आप, क्या समस्या आपकी? हमारी समस्या जो है जो दरवाजा और टीन टूटता है और रास्ता दही नहीं है जी, सिर्फ घर में घुसा चले आ रहे जी। आपका दरवाजा किसने तोड़ा है? अब जो निशान लगे तो श्रीनारायण ने। अच्छा, तो ये तुम्हारा मकान बना हुआ है, ये कब से बना हुआ है? 40 साल है। 40 साल से। अब इसमें नाप तोल तोड़वाने की बोल रहे हैं इस मकान को? बोलते हैं हमारा खेत नहीं कर रहा। अच्छा, क्या कहते हैं? खेत नहीं कर रहा हूँ, जनता खेत में को पूरा हुआ है। अच्छा, पूरा हो चुका उनका रकबा पूरा है? अच्छा, रकबा पूरा हुआ है और तहसील से 4-5 बार जांच आई है, मतलब वो नाप को मानते नहीं। आप क्या चाहते हैं? हम क्या चाहते हैं, हम तो सर संशोधन चाहते हैं कि मतलब जो है वो अपने में रहे और हम अपने में रहे, और क्या चाहते हैं? कुछ नहीं, बस। रास्ता कौन सी रुकी हुई है? ये वाली, मतलब हम ज्यादा कुछ नहीं चाह रहे, जो इन्हें अपनी हद भल लगी है बस उतने ही पे रहे सर, और हमें अपने में रान दे। हम कुछ नहीं चाहते, हम संशोधन चाहते हैं, और हम कुछ मुकदमा नहीं चाहते, मुकदमा न लड़ाई करें, लड़े भी लायक ना, हम लड़े भी लायक है, घर पे बच्चा रात नहीं और हमें अकेले। जी जी जी, बस हम चाहते हैं कि फैसला हो जाए हमारा। इसकी सूचना आपने किसी अधिकारी को दे रखी है अभी तक? इनने हमें रोक लाओ तो। अच्छा, अब पुलिस ले आते हैं हम लोगों ने। आपका पुजारी नाम है? कहाँ के रहने वाले हैं आप? नहीं के। गांव का नाम क्या है? थाना कौन सा है? थाना नगरा खंगर। क्या कहना चाह रहे हैं आप? हम ये कहने चाह रहे हैं सर, हमने यहाँ पर मकान बनाया है। क्या बनाया था? तुम्हारा मकान कहाँ पर है? जो बीच में पता है। अच्छा, वो हमने अपनी हद में बनाया था मकान, वो जो यहाँ से दिख रहा है वो बीच में सेंटर की बोले, वो आपका मकान है वो? हाँ।
वो हमारा हाथ पर मकान लगा है। ठीक ठीक ठीक, क्या कहना चाह रहे हैं, मुख्य बात बताओ तुम। हम मुख्य जो है हमको सर घर नहीं है। आपके लिए आने जाने के लिए रास्ता नहीं है? कोई रास्ता नहीं है। आपके घर के लिए? घर के लिए। जैसे आप कहीं बाजार के लिए जाएंगे, घर से बाहर निकलेंगे तो रास्ता नहीं है? आपकी रास्ता किसी ने रोक लिया क्या? बंद नहीं है रही है? दबंगों ने रोक रखी है क्या? हाँ, जबरदस्ती रोक रखी है। जबरदस्ती। इसकी सूचना आपने किसी अधिकारी को अभी तक दी है क्या? नहीं दी सर। दी